चलो 10 रुपए लेके सर ले लेना मास्क ले लेना मास्क ले लेना सर ये मास्क आपने गंदा किया आपको ही लेना पड़ेगा मुझे तो कौन चलाता है साखों देखती है अपने कोई तमीज नहीं है अंदर आने की पहले बंदा गेट बजाता है सॉरी सर लेकिन मैं वही बंदा हूँ जिसने अपॉइंटमेंट लिया था क्या हम तेरे को छाटे सर मैंने अखबार में आप लोगों का इश्तिहार देखा था आपके पास नौकरी के लिए कोई जगह है नहीं हमारे पास तुम जैसे बदतमीज लोगों के लिए कोई जगह नहीं है दफा हो जाओ यहाँ सर मेरा बात सुनिए बात समझ में नहीं आ रहा दफा हो ऐसे हाँ जानी क्या हाल है हाँ हाँ कल शादी में आ रहा हूँ मैं तू आ रहा है क्या हाँ सही मौज मस्ती करेंगे चल ठीक आ जा मोबाइल कहाँ से लिया अच्छा ये मोबाइल ये तो मैंने अपने दोस्त से लिया कुछ दिन के लिए अब तुम्हारे एड्रेस पर फोन चुका हूँ उधर ही तो है अच्छा व्हाइट हाउस की तरफ रन अरे मोबाइल नहीं लिया अच्छा मेरी बात छोड़ यार तू अपनी बताओ तुम्हें क्या नौकरी मिली नहीं यार जा भी जाता हूँ लोग बेइज्जत करके निकाल देते क्या आपको नौकरी नहीं मिली अरे मुझे लगा आपको नौकरी मिलेगी इसीलिए तो मैं इतना तैयार होकर आया मुझे अपने दोस्त की पार्टी में जाना है वहां उसके लिए गिफ्ट लेना है आपको नौकरी नहीं मिली मुझे पैसे चाहिए किसी भी हालत में मुझे पैसे दो ये रे यादव चावल खाने के पैसे नहीं है आपको अपने दोस्त के लिए गिफ्ट ले जा रहा है अरे वो जो 1000 रुपए तो वो कहेंगे 1000 रुपए कल जो तूने 800 रुपए मैंने बर्थडे पे दिया था वो मैंने पूछा कि तूने कहाँ खर्च किया अभी मैं सोने के लिए जा रहा हूँ मुझे डिस्टर्ब नहीं करना सर मैं वही लड़का हूँ जिसने नौकरी के लिए फोन किया था वो क्या नाम था तुम्हारा सर मेरा नाम हसन है तुम यहाँ किस लिए आए हो सर मैं नौकरी की तलाश में आया हमको ये नहीं देखना कि तुमने मैट्रिक पास किया है कि नहीं हमें सिर्फ तुम्हारी वफादारी देखनी है हमारे सेक्रेटरी से मिलो वो तुझको बताएगा काम क्या है मतलब मेरी नौकरी पक्की हो गई हाँ हाँ पक्की हो गई सर मेरी तनख्वाह कितनी है वैसे तनख्वाह तो 15,000 है लेकिन अगर तेरी वफादारी अच्छी रही तो हम तुझको 20,000 देंगे शुक्रिया सर शुक्रिया ए शाने तूने धक्का कैसे गया तू जानता नहीं मैं किसका बैठा हूँ अंदर करवाऊंगा तुझको सर इतना भड़क क्यों रहे हो धक्का तो आपने दिया मेरे को क्यों इतना बोल रहे हो जबान दराजी करते है साला हमारे आदमी का फोन आया था कि जैसा वसूली पूरी नहीं दे वो खत्म है कोई आज रात को ही उसकी गली चढ़ानी पड़ेगी मुझे क्यों पकड़ा है तुम दोनों ने हर बच्चे को ना बेजनी जा डांगर का ये आवाजें कहाँ से आ रही है अलम खान मैंने तुम्हारे यहाँ काम किया लेकिन तुम दोनों तो कातिल हो मैं खान होकर खान आलम खान हूँ और मैं शेर का खान शेर खान
लाना तो तुम पर। पहले जजा मरा, तू भी मरेगा। कोई सबूत नहीं छोड़ते। क्या बिगाड़ लोगे तुम मेरा? मेरा बॉय तुमसे बदला रहेगा। किसने किया है ये आलम खान? इस बारे में तो हमें कुछ नहीं पता, हमें तो बस इसकी लाश ही मिली थी। कौन सी जगह पे लाश मिली थी शेर खान? हमारे फैक्ट्री के पीछे कारखाना है, उधर मिली थी। तुम्हारी मौत आ गई है आलम खान। शेर खान बाहर निकलो, मैं आ गया हूँ। आज तो फैक्ट्री की छुट्टी है, फिर कौन आ गया? चलो देखते हैं। तुम ही ने मेरे भाई को मारा। अच्छा तो तेरे को पता चल गया, चलो अच्छा बात है। मैं तुम दोनों को मार डालूंगा शेर खान और आलम खान। तू यहाँ मारने नहीं, भरने आया है। और वो भी हमारा तो थे, क्योंकि फैक्ट्री में तो कोई है भी नहीं। ये जगह बहुत छोटी है, ऐसे करते कि फैक्ट्री की छत हो जाए। वहीं इससे लिपटेंगे। ये बात सही है। तड़प तड़प कर मेरा भाई मरा था, अब तुम दोनों मिलकर मरोगे।